देखिए जी, जब भी आप कोई भी टनल या वीपीएन बनाते हैं, वीपीएन का जो हमने जो डाइसेक्शन की है वो हमने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। हमारे ख्याल में जो वीपीएन टेक्नोलॉजी है, दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू टेक्नोलॉजीज, वीएन एंड टीएन, एंड दिस इज टनलिंग, वेर एज दिस साइड इज सिक्योरिटी। अभी हमने टनलिंग को फोकस किया हुआ है, हम इस रूट पे आए हैं। और इस टनलिंग के अंदर जो जब आप टनलिंग करते हैं तो इट एड्स ओवरहेड, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन इज बीइंग एडेड इन योर हेडर, उसको समझ लेते हैं। सो बिफोर वी गो दैट वे, हमें सबसे पहले एमटीयू को समझना है या रीकैप करना है। एमटीयू स्टैंड्स फॉर मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट। देखिए, फॉरगेट अबाउट टनलिंग, एक प्लेन आईपी पैकेट जो किसी भी टनल में से नहीं जा रहा वो आपके सामने यहाँ पे दिखाया जा रहा है। सो हाउ डज अ प्लेन आईपी पैकेट लुक लाइक? इसके अंदर ये जो जगह आपको नजर आ रही है, दैट इज द पेलोड, विच मींस ये एचटीटीपी डेटा हो सकता है, विच इज बीइंग सेंट यूजिंग टीसीपी, बिकॉज एचटीटीपी रन्स ऑन टॉप ऑफ टीसीपी, एंड दिस डेटा कैन बी ऑफ वेरिएबल साइज। दिस डेटा कैन बी ऑफ वेरिएबल साइज, ये कम ज्यादा हो सकता है। देन कम्स द टीसीपी हेडर। टीसीपी हेडर इज ऑलवेज ऑफ फिक्स्ड 20 बाइट्स। अगर आप उसकी ऑप्शंस यूज करें तो बढ़ भी सकता है, बट एट द मिनिमम इट हैज टू बी 20 बाइट्स। देन कम्स आईपी हेडर, प्लेन पैकेट की बात हो रही है, दिस इज ऑल्सो फिक्स्ड और इसके भी 20 बाइट्स हैं। सो यहां तक जो चीज है, दिस थिंग, यहां तक, दिस इज कॉल्ड योर एमटीयू, मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट। मींस कि आप जब अपने राउटर इंटरफेस से बाहर निकलेंगे तो ये एक डेटा लिंक लेयर है। बिटवीन टू राउटर्स, दिस डेटा लिंक लेयर इज एक्चुअली लुकिंग एट योर डेटा इन द फॉर्म ऑफ फ्रेम्स। इसको फ्रेम्स नजर आते हैं, प्रोटोकॉल डेटा यूनिट, रिमेंबर ओएसआई। सो लेयर टू का जो पीडीयू है, दैट इज नोन एज फ्रेम्स। सो फ्रेम्स जो हैं, इनके अंदर फ्रेम का जो हेडर है वो, अगर हम यहाँ पे ईथरनेट टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं तो ये जो फ्रेम का हेडर है ये ईथरनेट का होगा, ईथरनेट टेक्नोलॉजी का हेडर होगा। बट एनीथिंग यू स्टफ इन इट विद इन दिस फ्रेम, एनीथिंग यू स्टफ इन इट, दैट हैज गॉट अ लिमिट, एंड दैट लिमिट इज कॉल्ड एमटीयू। सो इट मींस एमटीयू इज एक्सक्लूडिंग योर लेयर टू हेडर, एवरीथिंग फ्रॉम स्टार्ट टिल एंड, दिस इज एमटीयू। सो आपकी डेटा लिंक लेयर डिफाइन करती है कि मेरा एमटीयू क्या होगा। लेयर टू की पाबंदी है कि मेरे अंदर आप कितना लोड डाल सकते हैं एक फ्रेम में। ये एक लेयर टू की तरफ से डिफाइन की गई चीज है जिसको अपर लेयर फॉलो करती है। सो इफ यू टॉक अबाउट ओएसआई, वी हैव लेयर 4, वी हैव लेयर 3, 2 एंड वी हैव लेयर 1। दिस इज वेयर यू आर डिफाइनिंग एमटीयू और दिस इज वेयर द एमटीयू इज बीइंग फॉलोड। सो लेयर टू ने कहा कि मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट है 1500, तो इसका मतलब है कि लेयर 3 को फॉलो करना है इस 1500 को। एनीथिंग जो लेयर 3 से नीचे दी जाएगी लेयर 2 को, दैट शुड नॉट एक्सीड 1500 बाइट्स। अब अगर
यहाँ आगे 1500 बाइट्स देने हैं तो इसका लिहाज फिर इससे ऊपर वाली लेयर ने भी रखना है। इस लेयर ने भी यहाँ से जो ट्रैफिक नीचे फॉरवर्ड कर रही है या डेटा नीचे फॉरवर्ड करना है वो डेटा भी उतना होना चाहिए कि वो 1500 बाइट्स की हद को क्रॉस करने का बायस ना बने। लिहाजा यहाँ लेयर 3 का हेडर लगना है 20 बाइट्स का, तो इसका मतलब है कि आप पीछे से 1480 बाइट्स सेंड कर सकते हैं। इसी इसका इफेक्ट जो MTU का है वो ऊपर वाली लेयर्स तक जा रहा है। सो लेयर 4 को क्या करना है कि उसको 1480 बाइट्स सेंड करने हैं यहां से यहां तक। वो 1480 बाइट्स जब आगे आएंगे और 20 बाइट्स उनमें क्लब होंगे तो हम ओवरऑल लिमिट में रहेंगे। और उस 1480 बाइट्स का मतलब ये है कि उसमें भी 20 बाइट्स का अगर TCP का हेडर लगना है तो आप ये जो डेटा वेरिएबल इसमें स्टफ कर सकते हैं उसकी हद फिर 1460 बाइट्स है। मैक्सिमम आप एक पैकेट के अंदर जो डेटा पेलोड स्टफ कर सकते हैं वो फिर 1460 बाइट्स है। इसका मतलब है इसका लिहाज फिर ऊपर एप्लीकेशन लेयर को भी रखना है। तो एप्लीकेशन लेयर को यहां से जो डेटा नीचे देना है दैट शुड नॉट एक्सीड 1460 बाइट्स। सो यू सी इसका इफेक्ट ऊपर तक जा रहा है, एप्लीकेशन लेयर तक जा रहा है। अच्छा, अगर कोई एप्लीकेशन इस चीज का लिहाज नहीं करती, फॉर एग्जांपल यहां से नीचे पुश कर दिए जाते हैं 2000 बाइट्स, तो इस चीज को कौन मैनेज करेगा? ऑब्वियसली यहां पे TCP का काम है कि फिर वो उसकी सीक्वेंसिंग करे। सीक्वेंसिंग होगी यहां पे। सीक्वेंसिंग में TCP को पता है कि मुझे नीचे 1460 बाइट सेंड करने हैं, तो TCP क्या करेगा, 1460 एक तरफ कर देगा और जो बाकी बचेंगे 540 बाइट्स उनको एक तरफ कर देगा, दो सीक्वेंस बना देगा। यही तो काम है TCP का। एक मैक्सिमम 1460 में स्टफ कर दिया एप्लीकेशन ने तो 2000 बाइट्स दे दिए, 540 एक, 1460 एक कर दिया। अब ये जो 1460 है जब ये नीचे आएगा और इसके ऊपर एक्स्ट्रा 20 बाइट्स का हेडर TCP का हेडर लगेगा और फिर IP का हेडर लगेगा तो इट विल बी वेल विद इन द लिमिट्स ऑफ 1500 बाइट्स। वेर एज ये जो 540 बाइट्स का डेटा इनपुट हो रहा है इसके पास तो बहुत रूम है, अभी इस पे हेडर लगते भी चले जाएं तो ये 1500 की लिमिट से कम कम ही है। एनीवे, व्हाट इफ इस MTU के रूल को अगर कोई वायलेट कर दे तो क्या होता है? फॉर एग्जांपल एप्लीकेशन लेयर एंड देन लोअर लेयर्स, MTU रखा गया है 1500 बाइट्स, यहां से सेंड कर दिए गए हैं लेट से 2000 बाइट्स। ये भी इस चीज का लिहाज नहीं करता, ये लेयर रिगार्डलेस ऑफ द MTU लिमिट ये लेयर नीचे सेंड कर देती है 200 बाइट्स प्लस 20 बाइट्स ऑफ TCP। तो यहां पे आ गए हमारे पास 2020 बाइट्स। ये लेयर भी इस चीज का लिहाज नहीं करती, 2020 बाइट्स में 20 बाइट्स ऐड कर देती है, 2040 बाइट्स बन जाएंगे। अब ये 2040 बाइट्स जब आगे पास किए जाएंगे तो इस जगह के ऊपर जो फ्रेम्स हैं वो तो अपने अंदर नहीं स्टफ कर सकते 2020 बाइट्स की इंफॉर्मेशन को। सो यहां पर डेटा लिंक लेयर ट्रैफिक लेगी नहीं, यू विल डेटा लिंक लेयर विल नॉट रिसीव दिस ट्रैफिक of this much size, लिहाजा you will lose communication, आपका पैकेट ट्रांसमिट ही नहीं होगा।
डेटा लिंक लेयर पर इनकैप्सुलेशन ही नहीं होगी, यहीं पे स्टॉप कर दिया जाएगा क्योंकि ये रूल फॉलो नहीं कर रहा। अब इसका हल क्या है? सबसे बेहतरीन हल तो ये है कि जो एप्लीकेशन लेयर है वही उतना डेटा सेंड करे जितना ऑल दी वे नीचे आते आते इस लिमिट के अंदर फिट हो जाए। आइडियल तो ये है, लेकिन चलिए हम एप्लीकेशन लेयर के ऊपर जबर नहीं करते, हम कहते हैं ठीक है आप 2000 बाइट्स सेंड कर दो आगे। 2000 बाइट्स टीसीपी को, उसके पास फीचर है सीक्वेंसिंग का, वो सीक्वेंसिंग के फीचर से इस चीज को एडजस्ट कर सकता है। सो अगर टीसीपी इसको एडजस्ट करेगा तो वो सीक्वेंसिंग कर लेगा, यू नो कि वो कैसे होगी। 1460 बाइट्स एक तरफ, 540 बाइट्स एक तरफ। 1460 पर अलहदा 20 बाइट्स का हेडर लगेगा, 540 बाइट्स पर अलहदा 20 बाइट्स का हेडर लगेगा और वो अलग अलग पैकेट्स बनेंगे। बट थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि टीसीपी भी इस चीज की परवाह नहीं करता और वो 2020 बाइट्स लेयर 3 को दे देता है। अब लेयर 3 के पास जब 2020 बाइट्स की इनपुट आएगी तो लेयर 3 कभी भी गलती नहीं कर सकती कि वो इस पैकेट को अब आगे एज इट इज भेज दे लेयर 2 पे, जबकि लेयर 2 कह रही है कि मेरी लिमिट 1500 बाइट्स की है। लेयर 3 ये कभी नहीं कर सकती। लेयर 3 को अब यहां पर इस एक्स्ट्रा लॉन्ग पैकेट को चंक्स में डिवाइड करना ही करना है, एंड दैट फीचर सेट इज नोन एज फ्रेगमेंटेशन। सो लेयर 3 मस्ट फ्रेगमेंट दिस ट्रैफिक इन ऑर्डर टू हैव सक्सेसफुल ट्रांसमिशन। तो यहां पे क्या होगा कि 2020 बाइट्स जो आए हैं इनमें से 1480 बाइट्स लिए जाएंगे प्लस 20 बाइट्स का हेडर लगाया जाएगा, ये एक फ्रेगमेंट बन जाएगा, फ्रेगमेंट नंबर 1। और 1480 बाइट्स लेने के बाद हमारे पास 540 बाइट्स अभी भी पड़े हुए हैं जो हमने ट्रांसमिट करने हैं इस डेटा के। सो 540 बाइट्स अलहदा कर दिए गए उसमें से, और उनके ऊपर अलहदा एक हेडर लगाया 20 बाइट्स का, और इसको नंबर लगा दिया फ्रेगमेंट नंबर 2। सो लेयर 4 ने एक चंक सेंड किया था 2040 बाइट्स का, लेकिन लेयर 3 को उसको एडजस्ट करना पड़ा फ्रेगमेंटेशन के जरिए। अब ये चीज यहां आके फिट इन होगी, दिस होल विल बी प्लेस्ड इन द फ्रेम 1500 बाइट्स, एंड द अदर फ्रेम विल बी, जो नेक्स्ट फ्रेम आएगा दैट विल बी हैविंग 560 बाइट्स, दिस वन। सो दो आईपी पैकेट्स इवेंचुअली दो फ्रेम्स में ये डेटा सेंड किया जाएगा, ये रोल है लेयर 3 का फ्रेगमेंटेशन। और अगर इसी चीज की दुरुस्तगी कर ली जाती लेयर 4 पर ही, यहीं से ये चीज 2020 बाइट्स की आगे ना आती तो यहां फ्रेगमेंटेशन अवॉइड हो जाती, दैट इज कॉल्ड सीक्वेंसिंग या सेगमेंटेशन। सो सेगमेंटेशन अगर स्किप कर जाएगी इस MTU के कायदे को, तो फ्रेगमेंटेशन को तो फिर उसको देखना है, उसको तो फिर चॉप ऑफ करना ही करना है। Having said that, ये जो फ्रेगमेंटेशन का फीचर है, दिस फ्रेगमेंटेशन फीचर कैन बी टर्न्ड ऑफ। आपके पास आईपी हेडर में एक फील्ड होती है दैट इज कॉल्ड फ्लैग्स, ये इन 20 बाइट्स में से एक बाइट है,
ये जो फ्लैग्स की फील्ड है आईपी हेडर के अंदर, फ्लैग्स की फील्ड समवेयर इन दीज 20 बाइट्स फ्लैग्स, इनके अंदर हमारे पास एक फ्लैग होता है डीएफ, डोंट फ्रेगमेंट फ्लैग। अगर ये ऑफ है, इसकी वैल्यू जीरो है, तो इट्स का मतलब है कि फ्रेगमेंटेशन अलाउड है। यू आर गिविंग अथॉरिटी टू लेयर थ्री टू फ्रेगमेंट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, एंड दिस इज बाय डिफॉल्ट। By default, every IP packet allows its fragmentation. But for troubleshooting purposes, if you turn this flag on, तो इसका मतलब है do not fragment, which means fragmentation now is not allowed. तो इसका मतलब ये है कि जब fragmentation allowed नहीं है और आपका packet जो है वो 2020 bytes का है, assuming our previous example, और नीचे MTU की लिमिट है 1500 bytes की, और आप fragmentation करने नहीं दे रहे, तो इसका मतलब है कि ये packet जो है ये discard कर दिया जाएगा, ये नहीं travel करेगा, because आपने इजाजत नहीं दी। खैर, अब आते हैं हम अपनी tunnel के ऊपर, इस पूरे concept की application पे। देखिए, TCP MSS is known as maximum segment size, यानी जो maximum data TCP अपने अंदर stuff करेगा, HTTP for example, that is the maximum segment size. The maximum segment size, if MTU is 1500, assuming the MTU is equals to 1500, the maximum segment size will be 1460, assuming there is no tunneling. No tunneling. MTU 1500, MSS will be 1460. उसके बाद उसके ऊपर 20 bytes का TCP का header लगेगा, तो total चीज जो है वो 1480 पे आ जाएगी। फिर उस पर IP का एक header लगेगा, तो ये 1500 bytes हो जाएगा। So we are well within the limits. So this is good to go. But when it comes to tunneling, आपके पास यहां पे extra header लगेगा. So you will have here extra, let's say 20 bytes, IP tunnel, extra 20 bytes. So जब आप tunneling कर रहे हैं, अब you are in IP tunneling case, तो इसका मतलब है आप extra 20 bytes का एक header लगाएंगे बाद में कभी। अब अगर आपका MSS 1460 है, 1460 amount of data आप stuff कर रहे हैं, उसके ऊपर आपका TCP का header 1480 कर गया, उसे IP का header 1500 कर गया, now this is the inner header, passenger header, और जो outer header है which is the transport header, वो भी 20 bytes का जब लगेगा, तो ये चीज तो यहां इस मौके पर 1520 bytes की हो जाएगी, और 1520 bytes की जो चीज बनेगी वो MTU limit 1500 पर तो नहीं जा सकती, तो इसका मतलब है ला मुहाला fragmentation शुरू हो जाएगी। और जब fragmentation होगी, तो इसका मतलब ये है कि R1 से जब packet निकलेगा, आपने यहां से 1500 bytes send किए और आपने एक पैकेट सेंड किया, whereas जब यहां से ट्रैफिक बाहर निकलेगी, तो एक 1500 बाइट का पैकेट अलग निकलेगा और एक उसके साथ पैकेट अलग निकलेगा। दिस इज फ्रेगमेंटेशन नंबर, फ्रेगमेंट नंबर वन, दिस इज फ्रेगमेंट नंबर टू, इसी का चंक। सो इंस्टेड यू इनपुट वन पैकेट, आउटपुट आपके पास जो निकल रही है दैट इज ऑफ टू पैकेट्स, because यहां पे fragmentation हुई है due to extra tunnel add on. अब इसका impact किस पर आएगा, ये जो आगे ISP router है, कहां इसको एक V4 header process करना था, अब इसको दो V4 header process करने पड़ेंगे।
सो इसका जो सीपीयू है वो हॉग हो सकता है, बिकॉज आपने एक पैकेट सेंड किया, अगर वो एक ही पैकेट की शक्ल में जाता है तो इसको एक हेडर प्रोसेस करना पड़ता, अब इसको एक ही पैकेट के लिए दो दो हेडर प्रोसेस करने पड़ रहे हैं। सो इट मींस कि फ्रेगमेंटेशन अवॉइड करनी चाहिए, फ्रेगमेंटेशन नहीं होनी चाहिए। तो फ्रेगमेंटेशन को अवॉइड करने के लिए हमें इंटरफेस टनल के ऊपर हम कुछ एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं। वो एडजस्टमेंट्स क्या हैं? हम कह सकते हैं आईपी टीसीपी एडजस्ट एमएसएस, और यहां पे हम बता सकते हैं मैक्सिमम लिमिट ऑफ बाइट्स जो कि हम पेलोड में रख सकते हैं। अब अगर आपकी टनल है आईपी आईपी टनल, तो आपको पता है कि आपने 20 बाइट्स का एक एक्स्ट्रा हेडर लगाना है, तो 1460 की बजाय आप यहां से माइनस कर लें 20 बाइट्स को, तो 1440 रह जाएगा। सो इसका मतलब है कि हमें इस केस में यहां पे जो टीसीपी का एमएसएस है वो सेट कर देना चाहिए 1440। इससे क्या होगा कि जब आपने अपने राउटर के इंटरफेस के ऊपर, यहां पे टनल इंटरफेस के ऊपर एमएसएस की कमांड दे दी है, तो अब जितने भी टीसीपी पैकेट्स इससे गुजरेंगे, आपको पता है टीसीपी प्रोटोकॉल इनिशियली एमएसएस नेगोशिएट करता है। अब जो पीसीज हैं, ये पीसी और इसकी तरफ दूसरे एंड पे जो पीसी है, जब ये टीसीपी कम्युनिकेशन करते हैं तो ये उसमें एमएसएस एग्री करते हैं आपस में। बट आपने यहां इस इंटरफेस के ऊपर कमांड दे रखी है एडजस्ट एमएसएस की 1440, तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके पीसीज 1460 करने की कोशिश भी कर रहे होंगे आपस में, तो राउटर इंटरवीन करेगा टीसीपी पैकेट्स को, टनल इंटरफेस इंटरवीन करेगा और वो आपके टीसीपी पैकेट्स को दुरुस्त करेगा, इंस्ट्रक्शन देगा कि डू नॉट गो फॉर 1460, अदरवाइज यू विल एंड अप हैविंग फ्रेगमेंट्स, यू शुड रिमेन विद इन द लिमिट्स, डू नॉट क्रॉस द लिमिट्स, 1440 पे चले जाओ। तो ये जो इंफॉर्मेशन जब मिलेगी दोनों तरफ इस इंटरफेस से, तो ये जो सेंडर है, ये जो पीसी है, ये डेटा पुश ही 1440 करेगा, ये इससे ज्यादा यहाँ पे स्टफ ही नहीं करेगा, लिहाजा फ्रेगमेंटेशन नहीं होगी। अक्सर लोग इस चीज की शिकायत करते हैं कि हमारी टनल के अंदर जो है वो स्पीड स्लो हो गई है, उसमें कई दफा इशू सेगमेंट इसका फ्रेगमेंटेशन का भी होता है, तो हमें फ्रेगमेंटेशन अवॉइड करनी है, इसलिए हमें अपना जो टीसीपी है वो एडजस्ट एमएसएस के साथ कर लेना चाहिए, एडजस्टमेंट कर लेनी चाहिए। हैविंग सेड दैट, अगर यही आईपी आईपी टनल नहीं है, ये जीआरई टनल है, तो जीआरई टनल के अंदर आपको पता है 20 बाइट्स प्लस 4 बाइट्स का ओवरहेड आएगा, एंड द ओवरहेड विल बी ऑफ 24 बाइट्स। ये मिनिमम है, अभी ऑप्शंस ऑन नहीं की हमने, तो जब ऑप्शंस अभी ऑन ही नहीं की तो 24 बाइट्स की पेनल्टी तो ओवरहेड की शक्ल में पड़ेगी। तो इसका मतलब है कि ये जो 1440 है जीआरई के केस में, ये और भी कम हो जाएगा, सो इसमें से हमें और माइनस 4 बाइट्स कर लेने चाहिए, सो दिस विल एंड अप एट 1436 बाइट्स। तो हमें यहां पर 1440 की भी बजाय 1436 कर देना चाहिए, ताकि हमारे पीसीज को पता रहे कि वो इससे ज्यादा पैकेट में स्टफ मत करें। देन कम्स ऑप्शंस, आपने लेट से की ऑन कर दी, यू टर्न ऑन दिस फीचर, की ऑन कर दी आपने, एज सुन एज यू टर्न ऑन की, आपके हेडर के अंदर अनदर 4 बाइट्स ऐड होंगे, सो दिस मींस अनदर 4 बाइट्स, तो ये हेडर जो है ये 28 बाइट्स का हो रहा है, सो हमें इसमें से अनदर 4 बाइट माइनस करने पड़ेंगे, सो वी विल एंड अप एट 1432 बाइट्स। तो हमें 1436 की बजाय इसको 1432 पे लाना पड़ेगा। सो अभी हमने सिर्फ की ऑन की है, अब अगर हम सीक्वेंस नंबर ऑन करते हैं तो ये 32 बाइट्स पे आ जाएगा, हम चेकसम ऑन करते हैं तो ये 38 बाइट्स पे आ जाएगा हेडर। तो अगर 38 बाइट्स पे हेडर चला जाएगा, 36, तो 36 बाइट्स पर जब हेडर आ जाएगा,
तो इसका मतलब ये है कि हमें इन एक्स्ट्रा 16 बाइट्स को केटर फॉर करना है, तो वी नीड टू गो फॉर अनदर माइनस 4 हियर विच विल बी 1428 बाइट्स। सो एक जीआरई का हेडर, एक की, एक चेकसम और एक सीक्वेंस नंबर अगर किया तो वी विल कम डाउन टू 1424 बाइट्स। तो अब डिपेंड करते हैं हम कौन कौन से फीचर्स ऑन करते हैं, हमें उन फीचर्स के मुताबिक यहां पर अपना टीसीपी एडजस्ट करना पड़ेगा। आईपी के लिए अलग किया जा सकता है, IPv6 के लिए अलग किया जा सकता है। एमटीयू की लिमिट V4 और V6 दोनों के लिए यकसा 1500 बाइट्स की है, क्योंकि ये डेटा लिंक लेयर की लिमिट है, इसका ताल्लुक लेयर 3 के प्रोटोकॉल से नहीं है। तो आप ईथरनेट के ऊपर V4 चलाएं या V6 चलाएं, द लिमिट ऑफ ईथरनेट इज 1500 बाइट्स। इफ इट इज 1500 बाइट्स, V6 हैज टू फॉलो इट, V4 हैज टू फॉलो इट। Any question in this so far? No question? आगे चलें जी, अगली बात करें। ओके, सो अगर हमने टनल मोड रखा हुआ है GREIP, तो हमें TCP एडजस्ट MSS 1436 कर देना चाहिए, क्योंकि हमने एक्स्ट्रा 4 बाइट्स GRE को देने हैं। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास ऑप्शन है MTU की। आपको पता है जो ट्रैफिक है वो इवेंचुअली तो गीगाबिट 0/0 से जाती है। अगर हम R1 की बात करें तो टनल इंटरफेस इज नथिंग बट अ यू टर्न। एक्चुअली फिजिकली ट्रैफिक गोज आउट ऑफ गीगाबिट 0/0 विच इज आवर फिजिकल इंटरफेस। फिजिकल इंटरफेस के ऊपर दो कमांड्स होती हैं, MTU और IPMTU। डू यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? एनीबॉडी? कोई बताएगा MTU और IPMTU में क्या फर्क है? अच्छा जी, MTU जो 1500 है, दिस इज द डेटा लिंक लेयर लिमिट, इन अदर वर्ड्स इंटरफेस लिमिट। और ये जो है, दिस इज सेटिंग फॉर IP प्रोटोकॉल। अच्छा, इसका अब क्या मतलब है? अगर आपका MTU इंटरफेस का आप 1600 कर देते हैं,
इसका मतलब है आपकी जो डेटा लिंक लेयर है वो 1600 बाइट्स तक का जो इनपुट है वो फ्रेम में ले सकती है। ये फिजिकल डेटा लिंक लेयर की लिमिट है, वो 1600 है। बट IPMTU कैन स्टिल बी सेट ऑन 1500, यानी आईपी प्रोटोकॉल 1500 क्रॉस नहीं करेगा। इसका मतलब ये है, ऑल्दो डेटा लिंक लेयर 1600 तक एक्सेप्ट करती है, बट आईपी पैकेट विल नॉट क्रॉस 1500 की लिमिट, वो वहां उससे आगे फ्रेगमेंट शुरू कर देगा करना। तो अगर आपकी डेटा लिंक लेयर 1600 सपोर्ट करती है तो आप अपने MTU को भी इंक्रीज करके 1600 पे ला सकते हैं फॉर आईपी। दिस इज अप टू यू, बट ये सीलिंग है, इस सीलिंग या इस रूफ से ऊपर आप नहीं जा सकते। मतलब ये नहीं हो सकता कभी भी कि MTU 1500 और आप IPMTU 1600 कर दें, दिस इज नॉट पॉसिबल। MTU IP का कैन नेवर बी ग्रेटर देन द इंटरफेस MTU। सो इफ यू पुट IPMTU 1600, दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल एट ऑल व्हेन योर इंटरफेस MTU इज 1500। एज सून एज यू सेट योर इंटरफेस MTU टू 1500, दिस विल कम डाउन टू 1500. If you set it to 1400, this will automatically come down to 1400. If you change it to 1300, it will automatically come down to 1300. But if you increase it to 1600, it will not increase. It will stay on default. If you increase this thing to 2000, this will not increase. It will stick to 1500. So in order to increase this thing, you need to change this as well. This is very important in case of jumbo frames and jumbo traffic. So I hope you understand this. So let's go to the interface and try these configurations. तो क्योंकि MTU का जो ताल्लुक है वो real interface के साथ है, इसलिए हम interface gigabit 0/0 की बात करते हैं। ये वो फिजिकल इंटरफेस है जिससे हमारी ट्रैफिक बाहर निकलती है। कहते हैं शो इंटरफेस गीगाबिट 0/0। सो इन शो इंटरफेस गीगाबिट 0/0 यू सी द MTU, दिस इज द इंटरफेस MTU, दिस वन इज द इंटरफेस MTU, यानी ये वाला, दिस इज MTU 1500 bytes. But when you say show IP interface and then you see an MTU, this MTU 1500 is this IP MTU. अब देखिए हम क्या करते हैं, we are going under the interface और यहां पर हम MTU जो है वो 1600 कर देते हैं। So I look at the interface variables. तो मुझे नजर आता है कि मेरे इंटरफेस का MTU 1600 bytes हो गया है। This is this one. MTU 1600. ये चेंज हो गया है। What about show IP interface gigabit 0/0? Here you can see that the IPMTU is also increased, but if I decrease it back, IPMTU 1600 ki bajaye main 1500 kar deta hun, and you look at this, this is 1500, whereas the interface MTU, it should not decrease. Let's do it again.
Okay, so your interface MTU is 1600 bytes, whereas your IP MTU is 1500 bytes. So IP MTU is lesser than the interface MTU. अच्छा, अब अगर मैं IP MTU increase करना चाहूँ तो ये मुझे error देता है. This is not allowed because the interface MTU is set as at 1600. अगर मैं interface MTU 1700 करूँ तो मैं IP MTU भी 1700 कर सकता हूँ. अगर इंटरफेस एम टी यू 1700 पे है और आई पी एम टी यू मैं 1800 पे ले जाने की कोशिश करूं तो दिस इज नॉट पॉसिबल. आई नीड टू इंक्रीज दिस टू इंक्रीज आई पी एम टी यू. बट मैं आई पी एम टी यू को स्मॉलर कर दूं वेयर एज इंटरफेस एम टी यू हायर है, दैट इज पॉसिबल. इसमें आप देखिए, आपका इंटरफेस एम टी यू 1800 है लेकिन आपका IP MTU जो है दैट इज 1500. हमारे पास ऑप्शन है कि हम इसको अपलिफ्ट कर सकें बिकॉज इंटरफेस सपोर्ट्स मोर 1800 bytes. सो आई होप यू अंडरस्टैंड दीज टू कमांड्स के इंटरफेस के ऊपर जो आप IP MTU सेट करते हैं और सिंपल MTU सेट करते हैं, इन दोनों में क्या फर्क है. एंड वी कैन व्यू इट यूजिंग दीज टू कमांड्स. अच्छा जी, लेट्स ब्रिंग बैक द सेटिंग्स. बोथ आर बैक टू नॉर्मल. अब हम टेस्ट करते हैं अपनी टनल के अंदर एमटीयू के इंपैक्ट को. देखिए जी, हमारी जो टनल है दैट इज राइट नाउ मोड जीआरई और हमने इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा फीचर सेट ऑन नहीं किया हुआ. इसका मतलब है 24 बाइट्स का ओवरहेड है. अब हम करते ये हैं कि वी पिंग 172.16.1.2, साइज रखते हैं हम 1480 बाइट्स का और हम कह देते हैं डू नॉट फ्रेगमेंट. विद दिस वी टर्न ऑन द डोंट फ्रेगमेंट बिट. So you can see that we are not able to ping. इसकी रीजन क्या है कि जो डेटा हम भेज रहे हैं वो 1480 bytes का है, इसके ऊपर 20 bytes का आउटर लेयर 3 हेडर लग रहा है तो 1500 हो गए और 4 bytes का GRE लग रहा है. तो इसका मतलब है कि ये जो पैकेट हम इनपुट कर रहे हैं लेयर 2 को वो 1504 bytes का पैकेट है और फ्रेगमेंटेशन हम अलाउ नहीं कर रहे तो वो पास ऑन नहीं हो रहा. अगर मैं फ्रेगमेंटेशन होने दूं तो ये पैकेट चला जाएगा, बट जब मैं कहता हूं फ्रेगमेंट नहीं करना तो ये पैकेट नहीं जा सक रहा. अब क्या किया जाए, एक्स्ट्रा जो हेडर लग रहा है उसको अकाउंट फॉर करना है हमने. सो इफ वी ब्रिंग इट डाउन टू 76, we are able to ping. अगर हम 77 कर दें, we are not able to ping. Reason is, जब मैं 1476 रखता हूं तो 4 bytes का GRE header 1480 हो गए और 20 bytes का extra IP outer header 1500 हो गए. तो fragmentation की जरूरत ही नहीं पड़ती और packet चला जाता है. लेकिन जब मैं 1477 कर देता हूं तो वी आर नॉट एबल टू पिंग, क्योंकि ये 1501 bytes हो जाता है, फ्रेगमेंटेशन की जरूरत है और मैं वो करने नहीं दे रहा. आई एम गेटिंग दिस पॉइंट, इज दिस क्लियर. अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि हम टनल इंटरफेस के ऊपर टनल की इनेबल कर देते हैं. टनल की का फीचर अ सॉर्ट ऑफ वेरी वीक सिक्योरिटी फीचर है इन जीआरई टनल और इससे दोनों तरफ ये की मैच करेगी तो टनल अप होगी या कम्युनिकेट करेगी वरना नहीं. हम ये एक फीचर ऑन करने जा रहे हैं.
तो जैसे ये फीचर ऑन करते हैं, एक तो ये फीचर देख लेते हैं क्या करता है, और फिर इसका नीचे MTU पर क्या असर पड़ता है वो भी देख लेते हैं। तो हमने की इनेबल कर दी एक साइड पे 1 2 3 4 5, और दूसरी साइड पर हम की इनेबल कर देते हैं 5 4 3 2 1। मिसमैच कर दी हमने की। अब हम पिंग करते हैं, वी आर नॉट एबल टू पिंग, देर इज नो MTU और फ्रेगमेंटेशन इशू। एक प्लेन पिंग कर रहे हैं हम 100 bytes की, which is within the MTU limits, we are not able to ping. The reason is key is mismatched and key palives are not being exchanged. The tunnel interface came down. Let's enable, let's configure the key properly. Match कराते हैं key. So now the key is same on both sides. Let's wait for the tunnel to come up. So tunnel is back up, and if we ping again, we should be able to. So हम ping कर सकते हैं। तो हमने tunnel key का feature देख लिया। अब हम इसका MTU पर impact भी देख लेते हैं। देखिए 1476 bytes तक तो workable था, क्योंकि 4 bytes GRE के लगने थे, 20 bytes का आउटर लगना था, तो 1500 bytes में चीज चल रही थी, workable था। अब हमने tunnel key enable कर दी है, तो इसका मतलब ये है कि अब GRE का 8 bytes का header लग रहा है और outer header लग रहा है 20 bytes का। तो total जो packet है हमारा वो इस वक्त 1504 bytes के ऊपर जा रहे हैं, which 1505 bytes के ऊपर जा रहे हैं, which is exceeding the limits, यानी 1476 plus 4 plus 4 plus 20, so 1504 bytes पे जा रहे हैं। 1504 bytes तो allowed नहीं है, क्योंकि मैंने डोंट फ्रेगमेंट किया हुआ है। इसका मतलब है कि ये जो नए 4 बाइट्स लगे हैं, मुझे उनको भी छोड़ना पड़ेगा ताकि मैं 1500 की लिमिट में रहूं। तो फिर रिप्लाई आता है, एक भी बाइट एक्सीड कर दूं तो रिप्लाई नहीं आ रहा। दिस शोज के नीचे अब जीआरई का हेडर 8 बाइट्स पे जा चुका है। नेक्स्ट फीचर ऑन करते हैं, टनल चेकसम, दोनों तरफ हम चेकसम इनेबल कर देते हैं। चेकसम इज अ फैंसी फीचर जो अगर पैकेट में कोई डिस्टर्बेंस आई है, कोई 0-1 हो गया, 1-0 हो गया, तो ऐसे पैकेट डिस्कार्ड कर दिए जाएंगे। तो ये एक नदर 4 बाइट की पेनल्टी है। अब पिंग करते हैं, तो 1472 पहले चल रहा था, अब ये भी नहीं चलेगा, क्योंकि आप जीआरई का 12 बाइट्स का हेडर लग रहा है, तो वी नीड टू गिव अप अनदर 4 बाइट्स। टनल सीक्वेंस डेटाग्राम्स, यानी हमने जीआरई में सीक्वेंसिंग इनेबल कर दी, अनदर 4 बाइट्स पेनल्टी, बट डेफिनेटली दैट कम्स विद अ वैल्यू कि अब सीक्वेंसिंग हो रही है। तो 1464 पिंग हो रहा है, बट 1465 इज नॉट पिंगिंग। सो यू अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ ओवरहेड्स in the tunnel. So अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो पैकेट है, मैं 1500 bytes का भी सेंड करूं, now this is a question from all of you, मैं चाहता हूं कि इस वक्त मैंने
ये तमाम फीचर्स ऑन किए हुए हैं। दिस इज माई टनल कॉन्फिग्रेशन और मैं चाहता हूं कि ये पिंग हो। आई वॉन्ट दिस पिंग, तो क्या करना पड़ेगा? चेंज एम टी यू, कहां चेंज करूं जी? वेयर टू चेंज एम टी यू? मुझे यहां से ना दिस इज जी आर ई विद की चेकसम एंड सीक्वेंस नंबर टर्न ऑन। आई वॉन्ट पिंग वन सेवेंटी टू डॉट सिक्सटीन डॉट वन डॉट टू साइज 1500 with DF bit turned on. I want this in success. What to do? This is the requirement. Fahim, आप कह रही हैं change MTU both layer 2 and layer 3. कहां पे बदलूं जी? चेंज एम टी यू ऑन इंटरफेस लिमिट। मुझे इसकी रेसिपी बताइए। आई स्टार्ट टाइपिंग इट। कौन सा राउटर जी? राउटर इंटरफेस आप कह रहे हैं 0/0 में जाएं और R1 पे आप कह रहे हैं जाएं। इसमें जाके क्या बोलूं? What to do in this interface? MTU 1532 on R1. Arsalan कह रहे हैं कि R1 के इंटरफेस पर और R2 के इंटरफेस पर ये सेट कर दें। ओके, इसको करते हैं। सो इट इज डन और अब पिंग करते हैं। नो सक्सेस। क्या करें जी? अच्छा सर, इसमें आईपी का एमटीयू भी जो है वो सेम अगर रखते हैं फिर चला जाएगा, लेकिन अब ये मुझे कंफर्म नहीं है कि R1 और R2 पे भी चाहिए होगी। R1 से हमने ट्रैफिक सेंड करें सिर्फ वहीं पे जाएगा। देखें, जो आईपी का एमटीयू है ना, जब आप इंटरफेस का एमटीयू बदलते हैं तो आईपी का एमटीयू वो आपकी सहूलत के लिए उसके बराबर कर देता है फौरन। समझ रहे हैं बात? ठीक हो गया सर। जब आपने ये चेंज किया ना तो वो इस कमांड के साथ आईपी एमटीयू की कमांड खुद ही चल रही है। लेकिन 1500 पे नहीं जाएगा आईपी एमटीयू जी?
IP MTU तो मैक्सिमम 1500 तक नहीं जाता? जी जी जाता है, लेकिन हमने अभी डिस्कस किया ना कि इस कमांड का इम्पैक्ट है उसके ऊपर। आप क्या करना चाहते हैं IP MTU? सर IP MTU की जो लिमिट है वो तो मैक्सिमम 1500 नहीं है डिफॉल्ट पे? अगर हम अभी तो हमने ये सारी डिस्कशन की थी, ये सारी बात हम अभी करके हटे हैं। लेट मी रिपीट दैट। देखिए आपकी जो जो MTU है दैट इज योर डेटा लिंक लेयर लिमिट, राइट? IP MTU इज सिमिलर बट एन इंस्ट्रक्शन फॉर IP प्रोटोकॉल। गेटिंग माई पॉइंट? आपके इस फिजिकल इंटरफेस के ऊपर जरूरी तो नहीं है IP प्रोटोकॉल ही चले, इसके ऊपर और प्रोटोकॉल्स भी तो रन हो सकते हैं, लाइक सर ISP के राउटर पे या तो फ्रेगमेंटेशन एनेबल करें या उधर भी MTU चेंज करें। जी हम आते हैं उस तरफ। आप देखिए IPv6 MTU एक अलग चीज है, दैट इज समथिंग एल्स। अब आपके इंटरफेस का MTU 1500 है तो IP और IPv6 का MTU 1500 से बाहर नहीं जा सकता, कम हो सकता है। लेकिन आप फिजिकल इंटरफेस का MTU बढ़ा लेते हैं अगर, तो आप IP का MTU भी बढ़ा सकते हैं। अब फिजिकल इंटरफेस का MTU 2000 कर दिया, आप कहते हैं IP अभी भी 1500 में ही चले, तो आपकी मर्जी है। जो नॉन IP प्रोटोकॉल्स हैं वो IPX वगैरह वगैरह वो हायर MTU पे चल जाएं, IP लोअर MTU पे चलता रहे, दिस इज पॉसिबल। यही सर कंफ्यूजन थी सर। होगी होगी सर, थैंक यू, नो प्रॉब्लम। अब देखें मैं ये कह रहा हूं कि जब आप MTU 2000 लिखते हो ना तो ये iOS बाय डिफॉल्ट इसको भी सेट कर देता है इस पे। व्हेन यू चेंज दिस इट इंपैक्ट्स दिस। सो इसका मतलब ये हुआ कि जब आपने अरसलान ने हमें जब अभी एक तरीका बताया कि आप ये करें इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और हमने ये कमांड्स दी, तो उससे आप बेफिक्र रहिए, IP MTU भी हो गया है वो। I have no need to give that in this case. But thing is के इसने काम नहीं किया। So R1 का इंटरफेस MTU और IP इंटरफेस MTU दोनों 1532 कर दिए, R2 का भी कर दिया है। But still we are not able to ping. तो अरसलान आप कुछ बता रहे थे। सर ISP राउटर के इंटरफेसेस पे या तो MTU चेंज करें या फिर फ्रेगमेंटेशन एनेबल होनी चाहिए ISP राउटर पे। ISP राउटर पे तो फ्रेगमेंटेशन एनेबल है। फ्रेगमेंटेशन एनेबल है, लेकिन एक होता है फ्रेगमेंटेशन एंड रीअसेंबली यूनिट, यानी आप कहते हैं कि ये इंटरफेस फ्रेगमेंट्स को पकड़े और रीअसेंबल करे। फ्रेगमेंट फ्रेगमेंट आए तो सही, यहां से फ्रेगमेंट आ रहे हैं, आप यहां से फ्रेगमेंट भेज रहे हैं, आपने तो इस इंटरफेस का जब MTU 1532 कर दिया है तो इधर से तो इतना बड़ा पैकेट 1532 का एक ही गो में नहीं निकल रहा, फ्रेगमेंट तो हो ही नहीं रहे।
So how will the ISP fragmentation will help you? The only option is to increase the MTU on these interfaces as well. क्या ख्याल है? So if the calculation is correct of 1532, तो हम ISP interfaces पे चलते हैं और वहां पर भी increase करते हैं MTU. So हमने रास्ते में ISP पे भी increase कर दिया है. अब हमारे पास जो पैकेट है वो 1500 प्लस 20 प्लस 4 ये तो हो गया GRE और चार हम तीन हमने फीचर ऑन किए हुए हैं प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 तो 1536 बन रहा है ना जी. अरसलान क्या ख्याल है? जी सर सही ख्याल है. हाँ तो अब हम ये करते हैं कि इसको एडजस्ट करते हैं. क्लियर है ना जी ये? सो दिस इज हाउ द एमटीयू एंड टनल इज इंटर रिलेटेड. और जीआरई बैरल हमने डिस्कस किया, हमने पी टू पी जीआरई पे वर्क किया. ऑब्वियसली अब इस जीआरई के ऊपर आपको अगर लैन इंटरफेसेस पुश करने हैं अपने तो आपको राउटिंग करनी है. यू नीड टू राउट ऑन दिस टनल द सेम वे वी डिड ऑन आईपीआईपी और आईपीवी6 टनल्स. अब वही चीज आप जीआरई पे अप्लाई कर देंगे तो लैंस भी आपस में बात कर लेंगे. आई होप दैट इज क्लियर टू यू. So with this, we are done with GRE point-to-point tunneling. हाँ, IPv6 के जरिए इसको configure किया जा सकता है. That we will do next time, inshallah, tomorrow.